građani, sa mnom vete. Građani. तो यार बोलने नहीं दे रहा है आज आप लोगों के बीच पीछे पीछे हो जाइए साथियों। आज साल का वही दिन है जिसको हम लोग हर साल खूब धूमधाम हर्षोल्लास खुशी के साथ हम लोग मनाने का काम करते थे। मेरे नेता, मेरे पिता, उनका जन्मदिन यकीनन एक पुत्र होने के नाते मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा। पर मैं इस बात को भी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे नेता को आप सब ने अपना पिता, अपना भाई, अपना साथी माना। आप सबके लिए भी ये दिन उतना ही महत्वपूर्ण रहा है जितना उनका पुत्र होने के नाते इस दिन का महत्व मेरे लिए रहा। कभी सोचा नहीं था कि उनके जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में इस दिन को इस तरीके से मनाना पड़ेगा। पूरे साल हिम्मत बांध के रखता हूं और ये हिम्मत भी मुझे मेरे पिता ही देते हैं और मेरी माँ देती है। पूरे साल हिम्मत बांध के रखता हूं पर साल के कुछ ऐसे दिन हैं जहां चाह कर भी हिम्मत जवाब देती है, गला भर आता है। और पिता की याद सीमाएं पार कर जाती है। पर आज जब वो नहीं है, आप सब मेरे पार्टी के तमाम साथियों ने, मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जिन्होंने मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, यहाँ पर इस भीड़ में मौजूद आप सब ने उन्हें अपने भाई अपने बेटे की तरह रखा। तमाम उन साथियों ने ना सिर्फ मेरी हिम्मत बांधी बल्कि मेरी विपरीत परिस्थिति में आप लोगों ने मेरा पिता बनकर मुझे अपने सर आंखों पर बैठाने का काम किया, मुझे अपने कंधों पर। आप लोग नहीं होते तो संभवतः मैं मेरे पिता के जाने के बाद टूट जाता। आप लोगों ने अगर मुझे नहीं संभाला होता तो संभवतः मैंने अपनी हिम्मत खो दी होती। मेरे पिता के जाने के बाद एक के बाद एक जिस तरीके से घटना चक्र चला, परिवार में कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार को तोड़ने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को संभालने का काम किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे पिता के लिए भी यही सत्य था, पर आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे आप लोगों ने जिस तरीके से संभाला, आज चिराग पासवान का अंश अंश, मेरे रूह का एक एक हिस्सा, मेरे लहू का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरे पिता के जाने के बाद कई तरीके के आरोप मुझ पर लगाए गए, कई तरीके की बातें मेरे परिवार के बारे में कही गई। यहां तक कहा गया कि मैंने अपने पिता के अंतिम दिनों में ना जाने उनके साथ क्या बर्ताव किया। सोचिए, पुत्र होने के नाते कितनी पीड़ा होती है,
अभी आपके पिता की चिता की आग रात तक ठंडी नहीं हुई और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आपके बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या बातें नहीं कही गई। मेरे पिता के प्रति बहते आंसुओं तक को झूठा कहा गया, पर इन तमाम बातों से लड़ते हुए, इन तमाम बातों से जूझते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। मेरे जीवन का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के तमाम अधूरे सपनों को पूरा करना और सिर्फ उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ा। कुछ लोग कहते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर क्यों जाता है, क्यों हाजीपुर जाता है, क्या लेना देना चिराग पासवान का हाजीपुर से, क्यों नहीं आऊं मैं हाजीपुर, पूछिए उन लोगों से। हाजीपुर मेरी धरती है, हाजीपुर मेरी माँ है, हाजीपुर का अंश हूं मैं। मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया, मेरे नेता हाजीपुर के अंश है, मैं मेरे पिता का अंश हूँ, इस नाते मैं भी हाजीपुर का अंश हूँ, हाजीपुर का बेटा हूँ मैं। और जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, मेरे लहू का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर के लिए समर्पित रहेगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथी आज सुबह से ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आज हाजीपुर से आप शंखनाद कीजिएगा, क्या चुनाव का शंखनाद आप हाजीपुर की धरती से आज कर जाइएगा। भैया जो धरती मेरी है, जो घर मेरा है, वहां से शंखनाद क्या करना, यहां से सीधा रण का आगाज होगा। आज यहाँ से शंखना नहीं, यहाँ से आगाज करके जाता हूँ कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। कुछ लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर जाएगा तो क्या कर लेगा, जो प्यार इसके पिता को मिला वो हाजीपुर में इसको थोड़ी मिलेगा। अब आप लोग मुझे जवाब दें, जो प्यार जो आशीर्वाद आप लोगों ने हमेशा मेरे नेता मेरे पिता को दिया, क्या वो प्यार वो आशीर्वाद मेरे लिए है, वही आशीर्वाद है ना, वही प्यार है। साथियों बदले में मैं भी वादा करके जाता हूँ, मेरे नेता मेरे पिता ने हाजीपुर के लिए जितना किया उससे दो कदम आगे ही आप मुझे पाएंगे मेरे प्रयासों में। कभी साथियों मेरे पिता ने पूरा जीवन समर्पित किया हाजीपुर के लिए, बिहार के लिए। मुझे कहने गिराने की जरूरत नहीं है कि हाजीपुर की धरती के लिए उन्होंने क्या क्या किया, जोनल ऑफिस, सीपैक, नाइपर, होटल मैनेजमेंट, मुझे कुछ यहाँ पर गिराने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि आज जो कुछ भी चिराग पासवान है बल्कि रामविलास पासवान, उनकी भी पहचान हाजीपुर से थी। देश में ही नहीं दुनिया में अगर लोग रामविलास पासवान जी को जानते थे तो हाजीपुर की वजह से जानते थे, और हाजीपुर को जानते थे तो रामविलास पासवान जी की वजह से जानते थे।
मेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे नेता का पुत्र हूं। मुझे एक ऐसे पिता ने जन्म दिया जिन्होंने पूरा जीवन जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के हर उस गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए काम करने का उन्होंने प्रयास किया, जो अभी भी आजादी के 75 साल के बाद भी पंक्ति पर अंतिम पायदान पर खड़ा है। उस व्यक्ति को आगे लेकर जाने का प्रयास हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उन्हीं के नक्शे कदमों पर आगे चलते हुए मैं भी एक ईमानदार प्रयास कर रहा अपने प्रदेश को आगे लेकर जाने का। मेरे लिए ये तकलीफ होती है, मुझे चिंता होती है मुझे इस बात की कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी क्यों हमारा प्रदेश पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, आज भी क्यों हमारे प्रदेश में वो सुख सुविधाएं नहीं है जो दूसरे राज्यों में। दिल्ली में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या, बंबई से कभी कोई लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो भैया क्यों? और ये सवाल पूछना बनता है, क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए रोजगार के लिए? महिलाएं मौजूद हैं यहाँ, उनको मैं देखता हूँ, बुजुर्गों को मैं देखता हूँ, दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए। क्यों ये स्वास्थ्य सेवाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? आज जो लोग बिहार की सत्ता में बैठे बिहार के विकास के दावे भरते हैं, पूछिए इन लोगों से, और ये जरूरी है इस बात का आकलन हम लोग को करना, पूछिए इन लोगों से, भैया पिछले 33 साल अगर हम लोगों ने आप पर नहीं तो और किस पर विश्वास किया? आज जो बिहार में सरकार है पिछले 33 सालों से बिहार में यही सरकार है, यही लोग और इन्हीं घटक इसी गठबंधन के घटक दल के लोग बिहार में मुख्यमंत्री थे। हमारे खुद के अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल से लगातार निरंतरता में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या कहे थे मुख्यमंत्री जी 2005 में जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जितने लोग बिहार से पलायन कर कर गए हैं उन सब लोगों को अपने प्रदेश वापस लेकर आए। सोचिए जो मुख्यमंत्री 18 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए वो हम लोगों के सपने को क्या पूरा करेगा? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए। जरूरी है इस सरकार से ये सवाल करना कि इतने सालों के बाद आज भी क्यों बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। जाइए दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, नोएडा, चमचमाते शहर, वहां पर लोग विकास की बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन की बात होती है। और हमारे बिहार में आज भी अगर हम लोग विकास की सोच रखते हैं तो हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एगो चापाकल लगे, कैसे हमारे गांव में एगो ट्रांसफार्मर लगे, कैसे हमारे घर के सामने नली गली बने। ये सोच बिहार की सीमित होकर रह गई। आज बड़ी बड़ी शक्तियां भैया क्यों चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती है? क्यों बड़ी बड़ी ताकतें चिराग पासवान के पीछे पड़ी है? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान यही सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करते हैं। आज पूरी ताकत इकट्ठी कर पूरी सरकार आज एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती है, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। क्यों भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करता है, बिहार में उद्योग खुलवाने की बात करता है, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, किसानों के बेहतर हालात की बात करता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, बुजुर्गों के भविष्य की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। यही कसूर है ना चिराग पासवान का? और इस कसूर के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त करने में लगी।
कैसे करेंगे भैया चिराग पासवान को समाप्त। चिराग पासवान के खिलाफ ना तो कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो कैसे करिएगा समाप्त। तो उसके लिए एक षड्यंत्र रचा जाता। क्या षड्यंत्र? कि भाई चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से, इसका सामान, इसकी माँ, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उसके साथ सड़क पर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन बातों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया